नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हुए, जिसके प्रतिरोध में भारत ने भी हवाई हमले किए और पाकिस्तान में बसे आतंक के आका जैसे मोहम्मद के ठिकाने को ध्वंस कर दिया था। हवाई मार्ग से पाकिस्तान ने पुनः एक बार हमला बोलने की कोशिश की, जिसे भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने विफल करते हुए धूल चटा दी थी। वहीं आज जम्मू के स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस स्टैंड में एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसमें 25 लोगों के हताहत होने की खबर है। आइए अब हम बात करते हैं मेरे सहयोगी जम्मू कश्मीर से रजनीश परिहान से। हेलो हेलो, हाँ रजनीश, क्या हालात हैं जम्मू कश्मीर के, अभी कैसे चल रहा है? असंदर जी, अभी आधा एक घंटा पहले जम्मू के बस स्टैंड में एक ग्रेनेड अटैक हुआ है बस में, जिसमें तकरीबन 28 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं और 3 लोग जो हैं वो क्रिटिकल हैं, और एरिया जितना भी है वो कॉर्डन किया गया है और तफ्तीश चल रही है। अब देखना ये है कि ये ग्रेनेड कहाँ से आया है, कहाँ मारा गया है, टारगेट क्या है, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो कहने का यार ये कि जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले जो हम लोग का जो पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया गया था, पाकिस्तान से जो एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद से ये हमला एक सबसे बड़ी हमला है। हाँ सुखिंदर जी, हम इसको बॉर्डर के साथ भी जोड़ा जा सकते हैं कि पूरे जितने भी आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी बॉर्डर हैं वो सारे तैनात किए गए हैं, और वहां पे हमारे सिक्योरिटी जो है वो टाइट है, और उसी के साथ इसको जोड़ के हम ये भी कह सकते हैं कि जो एयर स्ट्राइक हुई है ये उस स्ट्राइक के बाद ये जम्मू में पहला बड़ा हमला है। जी धन्यवाद।